पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, टाइट पकड़ती है। एक्टिविस्ट सर। रीजन? एक ऐसा समाज बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों में मतभेद ना हो। कैसे? सबसे पहले मैं चाहती हूँ लोग सेल्फलेस बन जाएं और अपने अंदर की ईगो को खुद पर हावी ना होने दें। हर जाति के इंसान को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। एक ऐसा समाज जहाँ अमीर गरीब की मदद करे। और ऐसा करने के लिए हमें अपने अंदर की अच्छाई को बाहर लाना पड़ेगा, बुराई को मिटाना पड़ेगा। यही मेरा सपना है और मैं जिंदगी भर यही करना चाहूंगी। कितने ऊंचे विचार हैं। इस वायरस की बात सुनने के बाद तो जैसे पूरे क्लास को वैक्सीन मिल गया हो। अच्छा तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहते हो? सीएम। क्या कहा? सीधा छक्का, सीएम। हाँ क्यों नहीं। रीजन? इस पोस्ट में बड़ा पावर है सर। रोड पे ट्रैफिक सिग्नल रोक नहीं सकता, पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव का केस ठोक नहीं सकता। जब मेरा बर्थडे आएगा तो पूरे स्टेट में पोस्टर लगेंगे, लोग ढिंचक डीजे बजाएंगे, लजीज कबाब चबाएंगे, मेरे बर्थडे का केक बटेगा, लेकिन पूरा खर्चा सरकार की जेब से कटेगा। इन सब चीजों के लिए सीएम बनना है? हाँ? कैसे बनोगे सीएम? हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। ये सब करके सीएम बन जाओगे? अपना सीएम ऐसे ही तो बना है ना। बेटा ये क्लासरूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ना ही तुम सीएम हो। तो आप भी प्रोफेसर हैं, जर्नलिस्ट नहीं? आहा, इतने सारे स्टूडेंट्स देखकर लगा कि समाज का विकास होगा, पर ये तो पतन हो रहा है। इन्हें पढ़ाते पढ़ाते कहीं मैं करप्ट ना हो जाऊं। ए सीएम, क्या कड़क लॉजिक दिया है, आज से दोनों एक ही पार्टी में। पार्टी तो मेरी है, ज्वाइन तू करेगा। एक ही बात है। सीएम को लेकर क्लास में क्या बकवास करे जा रहे थे तुम? मैं उसका होने वाला दामाद हूँ, ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? सीएम का होने वाला दामाद? और क्या, उसकी एक टनाटन बेटी है, अपने पे एकदम लट्टू है, धक 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 कर रहा है मेरे लिए उस बेचारी का दिल। यहाँ मैंने हाँ की और सीएम मेरा ससुर। क्या कहा? वो हाँ कहेगी और तुम दामाद बन जाओगे? ए, तेरी क्यों जल रही है? तू भी मेरे पे फ्लैट हो गई है क्या? तुम पे और मैं तुम पे। अच्छा, खुद को हॉट समझती है? जस्ट एवरेज। एवरेज और क्या, सीएम की बेटी को देखेगी ना जल के राख हो जाएगी। तुमने उसे देखा है क्या? क्या पावली का मैं ब्रो, मुझे देखते ही अपने कपड़े फाड़ दे दिए। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? शर्म वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। मधुमक्खी और फूल पता है ना, वैसे ही चिपकती है। जैसे मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है ना, गपागप गपागप गपागप, वैसे ही मेरा सारा रस चूस लेती है वो। और गले मिलने का स्टाइल पूछो ही मत, टाइट पकड़ती है। सांस अटक जाती है। तेरा तो हक भी एवरेज ही होगा। वो अभी तक क्यों मैं तो तुझे फॉर्म कहां से दूं? तो शादी कर लो उससे। खूबसूरत लड़की से कौन शादी करेगा? खूबसूरत लड़की नहीं पसंद, ये कैसा लॉजिक हुआ? अरे यार राहुल, अब तू ही बता, किसी अप्सरा से शादी करके उसे गाँव ले गया तो लोग क्या कहेंगे? इस लंगूर के हाथ क्या मस्त अंगूर लगा है। उसके बजाय किसी एवरेज लड़की से शादी कर ली तो लड़की से ही कहेंगे क्या हैंडसम लड़का ढूंढा है, 24/7 मुझे अटेंशन मिलेगा, बस मुझ पे फोकस रहेगा, सही है ना? वाह 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 वाह, तबला तोड़ लॉजिक दिया है। सुंदरता शेयर मार्केट जैसी है, कभी भी धड़ाम करके गिर सकती है, और एवरेज लड़कियों की खूबसूरती रियल स्टेट जैसी रोज रोज बढ़ती है, घटती नहीं है। क्या दिमाग पाया है सीएम? वाह 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 वाह, मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। तुम्हारा मैं, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्यों यार राहुल? हाँ जी, इसकी तो लचक भी एवरेज ही है ना। 100%।